मामला विजयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दिनांक 14 अगस्त भैंसाई की तलैया के पास एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसकी जांच विजयपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच में मरे हुए व्यक्ति का नाम राजकुमार शाक्य पता चला, जिसके बाद पुलिस द्वारा मृतक राजकुमार शाक्य की मृत्यु के संबंध में घटना दिनांक 13 से 14 अगस्त की रात को मृतक राजकुमार शाक्य की वीडियो फुटेज निकाले गए एवं साइबर सेल की मदद से प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स एवं लोकेशन निकाली गई। मोटरसाइकिल से बाड़खेड़ा रोड पर टकराना संदेह के घेरे में आया, जब मृतक के पिता मुंशीलाल शाक्य, राजेंद्र शाक्य, भानेज दीपेंद्र और नीतेश शाक्य को पूछताछ हेतु थाना लेकर आने पर सभी संदिग्ध द्वारा मृतक राजकुमार की हत्या करना कबूल किया गया। 14/8/22 को सुबह 7 बजे के आसपास थाना विजयपुर में सूचना मिली कि भैंसाई की तलैया के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसमें कि सिर से खून निकल रहा है। इस घटना पर से तत्काल विजयपुर थाना पुलिस के नगर निरीक्षक और उनकी पूरी टीम वहां पहुंचती है और लाश पंचनामा और अन्य कार्रवाई पीएम वगैरह करा के और हैंडओवर करती है एक बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए। इसी बीच विवेचना शुरू की जाती है, विवेचना में विभिन्न तथ्यों पर साइबर सेल कर्मी की मदद ली जाती है, सीसीटीवी की मदद ली जाती है और लोकल स्थानीय स्तर पर घर वालों से पूछताछ की जाती है। तो ये तथ्य उभर कर आया कि मृतक राजकुमार अपने माँ बाप को पैसे के लिए बहुत अधिक परेशान करता था, यहाँ तक कि पिटाई करता था, जिससे वो लोग परेशान होकर मृतक के पिता मुंशी और उसके जीजा राजेंद्र जमाई, उसके जमाई राजेंद्र और उसके दो नाती मिलकर उसको मृतक को घर में ही गले से गमछा से दबाकर गला घोटकर हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को मोटरसाइकिल से बैठाकर भैंसाई की तलैया के पास ले गए और संपूर्ण घटना का खुलासा हुआ। सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त गमछा, पत्थर, मोटरसाइकिल और अन्य फिजिकल एविडेंस बरामद कर लिया गया है और शीघ्र ही जुडिशियल रिमांड पर आरोपी जनों को भेजा जा रहा है।